गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। अपना कौन सा पाठ चल रहा था? पाठ नंबर 8। पाठ का नाम क्या था? श्रीलंका का दांत उत्सव। क्या नाम था? श्रीलंका का दांत उत्सव। चलो आज मैं आपको इसी पाठ के जांच के बिंदु करवाने जा रही हूँ। कौन सा टॉपिक करवा रही हूँ? जांच के बिंदु। प्रश्न 1 देखो कौन सा है। निम्नलिखित पाठांश को यानी कि पाठ को, पाठ में जो आया है उसको, निम्नलिखित पाठ्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जो पाठ है इसको पढ़कर इसमें जो नीचे इन्होंने प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर देने हैं। कहाँ से देने हैं? इसी पैराग्राफ के अंदर से ही ये उत्तर देने हैं। इस पैराग्राफ को अपने अच्छी तरह पढ़ते हैं, फिर इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं हमारे से हम उसके उत्तर देंगे इसी के अंदर से। चलो शुरू करते हैं। कैंडी में हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में इसाला पेरेहारा नाम का एक उत्सव मनाया जाता है। कैंडी में, कहाँ? कैंडी में हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में ही कौन सा उत्सव मनाया जाता है? इसाला उत्सव, इसाला पेराहेरा उत्सव। इसे दांत उत्सव भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? दांत उत्सव। इसे दांत उत्सव भी कहते हैं। इस दौरान भगवान बुद्ध के दांत की यह डिबिया पूरे शहर में घुमाई जाती है। कब घुमाई जाती है? जब यह उत्सव मनाया जाता है। पूरे धूमधाम के साथ होने वाला उत्सव देखते ही बनता है। इसके अंतर्गत ढोल, नगाड़े और अच्छी तरह सजाए गए हाथियों के साथ नाच गाना होता है और पूजा की जाती है। कैंडी के निचले इलाके में कैंडी झील की शोभा रात को देखने ही बनती है, यानी कि देखते ही बनती है, देखने नहीं है, देखते ही बनती है। यहाँ आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं और स्नान में लीन हाथियों के झुंड देखने का भी। किसका आनंद ले सकते हैं? एक तो है नौका विहार, दूसरा स्नान में लीन। यहाँ पर हाथियों के झुंड क्या करते हैं? स्नान करते हैं। झुंड को, स्नान में लीन हाथियों के झुंड को भी देखने का आनंद ले सकते हैं। पहरा हमने अच्छी तरह पढ़ लिया, समझ लिया, एक बार फिर से पढ़ देती हूँ, बस अब अकेला पढ़ूँगी। कैंडी में हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में इसाला पेराहारा नाम का एक उत्सव मनाया जाता है। इसे दांत उत्सव भी कहते हैं। इस दौरान भगवान बुद्ध के दांत की यह डिबिया पूरे शहर में घुमाई जाती है। पूरे धूमधाम के साथ होने वाला उत्सव देखते ही बनता है। इसके अंतर्गत ढोल, नगाड़े और अच्छी तरह सजाए गए हाथियों के साथ नाच गाना होता है और पूजा की जाती है। कैंडी के निचले इलाके में कैंडी झील की शोभा रात को देखते ही बनती है। यहाँ आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं और स्नान में लीन हाथियों के झुंड देखने का भी। अब देखो फर्स्ट प्रश्न उन्होंने हमसे क्या पूछा। दांत उत्सव कब व कहाँ मनाया जाता है? फर्स्ट प्रश्न क्या पूछा है कि दांत उत्सव कब व कहाँ मनाया जाता है। तो अब हमारे पास स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? कैंडी में हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में इसाला पेरेहारा नाम का एक उत्सव मनाया जाता है। इसे दांत उत्सव भी कहते हैं। देख लें, इसका आंसर मैंने लिख दिया है, आप अपनी बुक में कर लेना। कैंडी में हर साल, पहले मैंने रीड कर दिया, अब मैंने लिखा भी है, इसको आप भी अपनी बुक में अच्छी तरह लिख लेना। कैंडी में हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में, जुलाई और अगस्त के महीने में कैंडी में इसाला पेराहारा नाम का एक उत्सव मनाया जाता है। ये क्या है? फर्स्ट का उत्तर, क का उत्तर है ये। दांत उत्सव कब व कहाँ मनाया जाता है ये अच्छी तरह आप कर लेना।
अब देखो दूसरा, दांत उत्सव में क्या क्या किया जाता है। फर्स्ट क्या था, दांत उत्सव कब व कहाँ मनाया जाता है। दूसरा है, दांत उत्सव में क्या क्या किया जाता है। दांत उत्सव में, वैसे तो इस पैराग्राफ के अंदर आंसर है आपका, लेकिन मैंने लिख भी दिया है, इसको आप अच्छी तरह कर लेना। इस दौरान भगवान बुद्ध के दांत की यह डिबिया पूरे शहर में घुमाई जाती है। इसके साथ ढोल नगाड़े और हाथियों को सजाकर नाच गाना होता है, पूजा की जाती है। ये है आपका दांत उत्सव में क्या क्या किया जाता है, ये उसके बारे में बताया गया है। सेकेंड आंसर है ये। अब देखो नेक्स्ट, कैंडी झील की दो विशेषताएं बताएं। अब क्या है, अब थर्ड क्या पूछा है उन्होंने अपने से, सिर्फ कैंडी झील की दो विशेषताएं बताएं। अब दो विशेषताएं क्या है, देखें, कैंडी के निचले इलाके में कैंडी झील की शोभा रात को देखते ही बनती है। कैंडी के निचले इलाके में कैंडी झील की शोभा रात को देखते ही बनती है। यहाँ आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं और स्नान में लीन हाथों के झुंड देखने का भी। ठीक है, ये तीन प्रश्न अपने से पूछे थे, तीनों प्रश्नों के ये आंसर हैं। एक बार मैं पूरा पढ़ लेना अच्छी तरह इसको, फिर ये आंसर दिए हुए हैं प्रश्नों के, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना अच्छी तरह। जो समझ में ना आए तो ऊपर पैराग्राफ से देखकर कर लेना। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो आपका क्या है, अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। क्या है, अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। फर्स्ट क्या है, उत्सव का अर्थ क्या होता है, त्यौहार। उत्सव का अर्थ क्या है, त्यौहार। इसमें वाक्य क्या है, भारत देश त्यौहारों का देश कहलाता है। भारत देश त्यौहारों का देश कहलाता है। अब नेक्स्ट देखो कौन सा है, अनुभव। दूसरा क्या है, अनुभव। अनुभव का अर्थ क्या है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का वाक्य क्या बनाया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब देखो लास्ट प्रश्न क्या है, पाठ्यांश में आए क्रिया विशेषण शब्दों को लिखिए। किसको लिखना है, सिर्फ क्रिया विशेषण शब्द जो इस पैराग्राफ के अंदर आए हैं। तो कौन कौन से हैं, देखो फर्स्ट है पूरा, पूरा को अंडरलाइन कर लेना, पूरा, निचले, दौरान, अंतर्गत, अच्छी भी यहाँ। ठीक है, फिर से पूरा, निचले, दौरान, अंतर्गत, अच्छा, यहाँ भी। ये आपका फर्स्ट प्रश्न पूरा हो गया है, फर्स्ट प्रश्न पूरा हो चुका है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 कल करवाऊंगी। धन्यवाद।